हमास के आतंक के लिए क्यों धड़क रही है इस देश के अंदर। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे बहुत वेदना, बहुत पीड़ा हो रही है। उन बच्चों के शव मेरे सामने आ रहे हैं जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं। 4 मरे, 40 बच्चे मरे, क्या कम है? देखिए अमीर जी, आपने जो सवाल पूछा है ये पूरा भारत, हर भारतीय पूछ रहा है कि पहले आपको देश प्रेम है या पहले धर्म है। और ये सवाल बार बार उठता रहेगा क्योंकि अल्लाह अकबर के नारे लगा के महिलाओं का बलात्कार हो जाए, उनके शवों को वहां पे गाड़ियों में रख के उन पे थूका जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सर काट दिए जाए, और इंसानियत यहां शर्मसार ये हो कि यहां पे पाखंडी लोग निकले और धर्म के आधार पे आतंकियों के साथ खड़े हो जाए, तो इससे ज्यादा शर्मसार होने वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। उनके लिए नहीं, केवल जो उसका समर्थन कर रहे हैं, हमारे लिए, आपके लिए। और इसके मैं ये कहता हूं, भारत वो देश है, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से और त्वरित एक मजबूत संदेश दिया अमीर जी, अगर मानवता को चुनना होगा और आतंकी के साथ खड़ा होगा, चाहे आतंकी मजबूत हो, हम मानवता के साथ खड़े होंगे। क्योंकि जो निर्दोष इजरायली हैं, उनकी तुलना हमास के आतंकवादी संगठन दरिंदों से नहीं की जा सकती। पहली बात, जो हमास के आतंकियों के साथ खड़ा है वो खुद एक आतंकी है, उसकी सोच आतंकी है। और भारत से ज्यादा ये कौन जानता है अमीर जी, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान इसी तरह से आतंकियों को आगे बढ़ाता है और उसके बाद जब आतंकियों को ढेर किया जाता है तो यहां से दीमक और सपोले निकल निकल कर छाती पीट कर कहते हैं मानव अधिकारों का हनन हुआ है, दरिंदों के, आतंकियों के कोई मानव अधिकार नहीं होते हैं। तीसरी बड़ी बात, आज वारिस पठान से पूछिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, इनकी पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उनका वक्तव्य यहां पे है मेरे हाथ में। वो कहते हैं भारत जवाब लेते हैं जी, शोषितों के बजाय उत्पीड़कों के साथ खुल्लम खुल्ला खड़ा है। मतलब जो निर्दोष बच्चे काटे गए, निर्दोष इजरायली मारे गए, वो इनको आतंकी दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट यही है, सीडब्ल्यूसी की स्टेटमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्टेटमेंट, कांग्रेस यानी कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की स्टेटमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्टेटमेंट क्या इशारा करती है? ओके ओके जवाब ओके। एक सेकेंड, बड़ी खबर आ रही है ईरान, ईरान के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने आह्वान किया है कि यह वक्त है कि सारे मुस्लिम देश एक साथ आए। ईरान ने इस्लामिक देशों से अपील करी है, ये वक्त है सारे इस्लामिक देश एक साथ आ जाए। सभी देशों को एक साथ आना होगा, इजराइल के खिलाफ एकजुट हो, नहीं तो ये युद्ध अकेला पैलेस्टाइन लड़ेगा। इस्लामिक देशों को एक साथ आना होगा। और यहां तक कहा है उनके चीफ ने, अहमतुल्ला खुमानी जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि हमास के उन योद्धाओं के हाथ चूमने का मन करता है जिन्होंने इसराइल के ऊपर बम बरसाए हैं, जिन्होंने इसराइल के ऊपर कहर भरपाया है। मेरे इस समय वारिस पठान, क्या आपको लगता है मजहब के नाम पर यह खेल खेला जा रहा है? वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, अभी गौरव भाटिया की ईरान पर भी रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने बोला सारे इस्लामिक देश एक साथ आए, सब पे रिस्पॉन्स करेगा, सब पे रिस्पॉन्स करता हूं। एक मिनट, पहले गौरव भाटिया ने जो कहा उसकी बात पे मैं रिस्पॉन्स दे देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कहा ऑपरेस कौन है। गौरव भाटिया, आपने ह्यूमैनिटेरियन की बात की, ह्यूमैनिटी डिमांड्स ऑलवेज स्टैंड विद द ऑपरेस। आज ऑपरेस कौन है? पैलेस्टाइन। और ऑपरेसर कौन है? इसराइल। तो आप क्यों इसराइल के साथ खड़े हो? आपको फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। 2008 से लेकर गौरव भाटिया अब तक 1.5 लाख फिलिस्तीन मार दिया, 35,000 बच्चों थे उसके अंदर, उसको मार दिया।
सुनिए सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं गौरव भाटिया, सुनिए। अभी आपने कहा यहां कुछ सपोले तैयार हो गए, नहीं और बहुत सारे सपोले तैयार हो गए। आई स्टैंड विद इसराइल। अरे तुम्हारा ना 3 में ना 13 में तुम्हारा क्या लेना देना इसराइल पैलेस्टाइन से? मणिपुर नजदीक है क्या? इसराइल और पैलेस्टाइन नजदीक है दिल्ली से? मगर नहीं, बात करेंगे इसराइल की। गौरव भाटिया से मैं एक सवाल करूंगा, गौरव भाटिया आपके पास कुछ लोग आएंगे आपके लखनऊ के घर में जमीन पे कि गौरव भाटिया हम बहुत मजबूर है, हमको मारा जा रहा है, पड़ोरा जा रहा है, हमको रखो आपके घर में। आपने शरणार्थी, आपको शरण दिया, उनको उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया किया, कपड़े पहनाए, शेल्टर दिया, बाद में वो आपको आपके घर से गौरव भाटिया रिप्लाई, आपके बच्चे मार देंगे, आप क्या करेंगे? आप ऑस्लो ट्रीटी साइन करेंगे, उसके बाद 5 साल के अंदर आपको नहीं मिलेगा। 30 साल हो गए पैलेस्टाइन को, अब तक उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर नहीं किया। गाजा पट्टी दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर जेल बन गया, ट्रेड नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, खा नहीं सकते, तो किस तरह से इंसान क्या करेगा? हम भारतीय लड़ना चाहते हैं आजादी, हम भी लड़े ब्रिटिशरों से, पूरी दुनिया में हमस का राज होगा। आप ब्रिटिशरों के हमस का कमांडर कह रहा है और ऑप्रेस है हमस के लोग और विक्टिम है हमस के लोग, पैलेस्टाइन के लोग विक्टिम है और इसराइल विक्टिम नहीं है जिनके यहां टेरर अटैक हुआ है। गौरव भाटिया रिप्लाई, योर रिप्लाई इज मस्ट, नेशन इज वॉचिंग, देश सुन रहा है आपको। देखिए देखिए वारिस पठान जी ने कहा कि आप किस हैसियत से बोलते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, लोगों ने चुना है नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी देश के मुखिया हैं, विश्व पटल पर भारत की तरफ नरेंद्र मोदी ने हमास का नाम लिया क्या? भारत क्या स्टैंड लेता है? नरेंद्र मोदी जी ने हमास का नाम लिया एक भी मर्तबा? गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज तक हमास को नरेंद्र मोदी जी ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया क्या? नहीं किया। अरे गौरव भाटिया मेरी तो आस्था भी जुड़ी है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा मस्जिद अक्सा है, मेरा पहला किबला है, मेरी तो आस्था है। आपका क्या है वहां पे? आपको सिर्फ एक ही चीज है, चिल्लाओ मत पहले, इसराइल से मोहब्बत क्यों है? आपको मुसलमान से नफरत है मेरे भाई? मेरे भाई आपको इसराइल से मोहब्बत नहीं है, मुसलमानों से नफरत है, इसलिए आप खड़े हो इसराइल के साथ? नहीं, एक सेकेंड, आपकी आपकी उधर आस्था है, आपकी उधर आस्था होगी, लेकिन लेकिन एक बात बताइए, अगर आतंक की गतिविधि वहां से चल रही है, क्या वहां पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, कहीं पर भी हो आतंकविधि, ठीक है, लेट हिम रिप्लाई, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, वारिस पठान, इसराइल कर रहा है, वारिस पठान, आतंकवादी, वारिस पठान, वारिस पठान, कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। अब पठान जब ये कहते हैं कि मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नफरत है, तो मैं एक बात कह दूं, मुसलमान अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, राइफलमैन औरंगजेब बनेगा, मोहब्बत करेंगे, जान दे देंगे, और अगर मुसलमान औरंगजेब जैसा बनेगा, हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, जिसकी मजार पे तुम जाते हो, आतंकी बनेगा बुरहान वानी, तो सही में उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। अमीर जी बात कर रहे थे घर पे रखने की, अरे कहीं का मुसलमान होगा, आप देश के साथ खड़े होगे या मुसलमान के साथ खड़े होगे? मुझे तो ये चिंता सताती है, सभी भारतीय के साथ खड़ा, हमारे दोनों तरफ तो देश के साथ खड़ा हूं भाई, जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है। शांत कराइए, शांत, 10 सेकंड, हमारे देश के दोनों तरफ ऐसे देश हैं जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, हम तो उनकी बत्तीसी निकाल देंगे अगर आक्रमण किया, लेकिन वारिस पठान जैसे मुसलमान गौरव भाटिया और अमीश देवगन को बचाएंगे, या उधर के जो मुसलमान आक्रांता हैं, जो आतंकवादी होंगे, उनके साथ खड़े होंगे? जी, जी, ये प्रश्न पूरा एक एक नागरिक पूछ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं वारिस भाई, आप बचाएंगे ना, आप गौरव भाटिया को बचाएंगे, साथ में खड़े हो जान पे खेल के बचाएंगे, गौरव भाटिया आपको रमेश देवगन को बचाएंगे, उनका धर्म और आपका धर्म एक है। अमीश भाई आपके ऊपर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो आप आओ मेरे पास, मैं आपको बचाऊंगा। अमीश भाई नहीं, मुझे अपनी सेना पे हमला आपके ऊपर करेगा क्या? अमीश भाई मेरे पास भरोसा है, एक सेकंड, बचाएगा, अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि आतंकवादी हिंदुस्तान में आने से पहले 1001 बार सोचेगा कि कहीं आतंकवादी के पास ना जाना। म्यूटेड योर वॉइस।